और इस बीच बढ़ते आगे लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। फूलपुर सीट से चुनाव लड़ेंगी पल्लवी पटेल। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, कृष्णा पटेल को मिर्जापुर से चुनाव लड़ाने की तैयारी है। कार्यकर्ताओं को तैयारियों में जुटने का निर्देश दिया गया है। दोनों सीटों पर अपना दल कमेरावादी के नेता सक्रिय नजर आ रहे हैं। दोनों सीटों पर जल्द ही ऐलान किया जा सकता है। पल्लवी पटेल की तरफ से बीएसपी के साथ भी दोनों सीटों को लेकर बातचीत जारी है। फूलपुर और मिर्जापुर सीट पर अभी तक कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया गया है। पल्लवी पटेल की तरफ से माना जा रहा है कि फूलपुर से वो खुद चुनावी मैदान में उतर सकती हैं और मिर्जापुर से कृष्णा पटेल को चुनावी मैदान में उतार सकती हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गुफरान इस वक्त जुड़ गए हैं। गुफरान, अपना दल कमेरावादी की तरफ से अभी तक ऐलान नहीं किया गया है सीटों पर, लेकिन खबर मिल रही है कि जल्द ही फूलपुर सीट से पल्लवी पटेल लड़ेंगी चुनाव और कृष्णा पटेल को मिर्जापुर से लड़ाने की तैयारी है। बिल्कुल, देखिए इंडिया जो गठबंधन है जिसमें कांग्रेस पार्टी के अलावा समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, उसमें अपना दल कमेरावादी जो पल्लवी पटेल की पार्टी है वो भी गठबंधन में शामिल थी। लेकिन पिछले दिनों जब अखिलेश यादव ने ये कह दिया कि 2022 में ये गठबंधन था, 24 में ये गठबंधन नहीं है, तो पल्लवी पटेल जो अपनी नई राह है वो तलाश रही हैं और सियासी जमीन जो है उसको फूलपुर बनाने की जो उनकी कवायद है उसमें वो जुट गई हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया है कि फूलपुर में तैयारी करें, यानी साफ है कि वो यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। दूसरी इसी पार्टी से जुड़ी जो खबर है वो मिर्जापुर से जुड़ी है, जहाँ पर अनुप्रिया पटेल, खुद पल्लवी पटेल की जो बहन है, वो बीजेपी गठबंधन में शामिल है। वहां से दो बार से लगातार वो सांसद है, लेकिन उनके खिलाफ उनकी मां यानी कृष्णा पटेल खुद चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। इस तरीके की भी तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। हालांकि अभी एक और जो विकल्प है बीएसपी के जरिए गठजोड़ करने की, वो अपना दल कमेरावादी जो पल्लवी पटेल की पार्टी है वो कोशिश में जुटी है कि बीएसपी का भी उसको साथ मिल जाए। इसको लेकर के तमाम नेताओं से, खास करके जो कोऑर्डिनेटर होते हैं बीएसपी से, उनकी बातचीत लगातार जारी है और ये माना जा रहा है कि अगले एक दो दिनों में इस पर भी कोई निर्णायक जो फैसला है वो सामने आ सकता है। बीएसपी से बातचीत लगातार जारी है और माना जा रहा है कि अगले एक से दो दिन में इस पर फैसला भी लिया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद गुफरान इस जानकारी के लिए।